अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मसूर टीवी। हम जनाब काशिफ कुरैशी साहब के पास बैठे हैं और ये इन इलाके के मकामी, तो इनसे जो है ना इलाके के मतलब पूछते हैं और डैम का भी पूछते हैं और इनका गांव भी इधर ही है। तो काशिफ साहब ये बताएं कि आपका गांव किधर है और किस एरिया में है जी। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी बैक साइड पे जो आपको जितने घर नज़र आ रहे हैं ये हमारा गांव है। तकरीबन इसमें 60-65 घर मतलब लोग रहते हैं। तो उसके अलावा ये जो पीछे आपको डैम नज़र आ रहा है, इसका काम तकरीबन 2007 में इसका सर्वे हुआ था, तो उसके बाद इसका काम तकरीबन 2011 में लगा, तो ये फिर तकरीबन 7 साल के अरसे में इसका काम मुकम्मल हुआ। तो अभी ये 149 मेगावाट बिजली की जो है ना प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये बताएं कि ये बिजली पाकिस्तान को जा रही है या फिर जो है ना ये आज़ाद कश्मीर या फिर ये केपीके में जो है ना सिर्फ जा रही है? बिजली जो इस वक्त वो जो इधर इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है तो फ़िलहाल सारी केपीके अबटाबाद जा रही है। तो अभी उसके बाद जो है ना कुछ ऐसा इसको मुजफ़्फ़राबाद को भी देंगे, तो ये बात उसकी डील में शामिल थी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, ये भी बताएं कि ये डैम जो है ना दो सरहदों को भी मिलाता है, यानी कि आज़ाद कश्मीर और केपीके को, ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। इसके दरिया के जो जिस तरफ हम बैठे हैं ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है। अच्छा। तो इसको अगर आप आगे पुल से क्रॉस करते हैं मतलब दरिया की उस तरफ, वो पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, मतलब उस तरफ केपीके और इस तरफ आज़ाद कश्मीर, यानी कि दोनों सरहदों के दरमियान में ये डैम बना हुआ है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपके गांव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम है तरछिला। और इसका तो मैं ये देख रहा हूँ बड़ा प्यारा व्यू है और बड़ी गहराई में जो है ना पीछे व्यू नज़र आ रहा है। तो ये आप ये बताएं कि इस गांव में हर तरह की जो है ना सहूलतें मौजूद हैं, बिजली गैस वगैरह इस तरह की चीज़ों को जो है ना आपको मिलती हैं या फिर जो है ना आप इनसे महरूम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का हमारे पास कोई मसला नहीं है, बिजली हर घर में मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा पक्की रोड है जो घर घर में मौजूद है। पानी का इंतज़ाम है, पानी का जो इंतज़ाम है वो सारा हमारा अपना है, कुएँ के ज़रिए हम लेते हैं या चश्मों के ज़रिए। उसके लिए बाज़ औक़ात हमें पानी का मसला भी होता है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक जो है ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने जो है ना सुना है यहाँ के बंदों से, इलाके के जो आपके, तो ये बताते हैं कि ये आप हज़म करने वाला ये जो पानी है ना ये वो है, ये पानी बड़ा अच्छा है और ये आप खाना खाएं तो फौरी तौर पे ये आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो हज़म हो जाएगी, ये वाकई बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हमारे चश्मे हैं माशाल्लाह, इनका जो पानी है वो लेबॉरेटरी से टेस्ट शुदा बिल्कुल पाक साफ सुथरा पानी है। और इसका कमाल ये है कि ये जो आप पीते हैं, एक तो ये मीठा है, ठीक है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये बात भी 100% दुरुस्त है कि इसके पीने से आपका हाजमा आपका मैदा बहुत परफेक्ट काम करता है। अच्छा, ये बताएं आप पढ़ते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं या क्या करते हैं या बिजनेस करते हैं? जी मैं तकरीबन 2012 से 2015 के दरमियान कारोबार से वाबस्ता था, कपड़े की दुकान थी मेरी। किधर? मदीना मार्केट मुजफ़्फ़राबाद में। तो उसके बाद मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज 1122 में मेरा इंतखाब हो गया। तो अब मैं तकरीबन 5 साल से वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है जी, फिर तो आपको हमें कहना चाहिए मजा है ना आप तो, यानी कि कोई भी मसला हो जो रिश्तेदार भी और कोई भी ऐसा बंदा आप किसी के पास नहीं जाता तो आप जो है ना बग़ैर रिश्ते बग़ैर किसी चीज़ के आप सबसे पहले पहुंचते हैं, आपको तो जो है ना सलूट पेश करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। वैसे भी माशाल्लाह 1122 जो है ना रेस्क्यू का ये जो अदारा है, ये किसी भी मुश्किल में किसी भी हालत में आप कहीं भी हों कहीं फंसे हों, इवन के जो एनिमल्स होते हैं वो भी अगर मुश्किल में हों तो हम उनको रेस्क्यू करते हैं, ये तो अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, ये बताएं कि मैंने मुजफ़्फ़राबाद में आके ये देखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट भी जो ना पुलिस भी है, ये वाकई बात जो ना सही है कि हमें सिर्फ जो ना दिखाई देती है या फिर जो ये फिर वो दिखावे के लिए है सिर्फ,
कि वाकई कोई बंदे को मसला होता है तो ये इमदादी तौर पे जो है ना, जिस तरह आपकी जो ना आपका महकमा है, इसी तरह जो है ना ये भी महकमा एक्टिव है। जी बिल्कुल एक्टिव है। ये जो टूरिस्ट पुलिस है, ये टूरिस्ट लोगों की मुश्किलात को मद्नज़र रख के ये इसका क़याम अमल में लाया गया था। तो अब ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अज़ला में, आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में मौजूद है। ये टूरिस्ट को जो है ना बेहतरीन गाइडलाइन लाइन भी फराहम करता है, और इसके अलावा किसी हादसे की सूरत में फ़र्स्ट एड का काम भी करती है। अच्छा, आप यानी कि सरहद में भी जो ना कह लें कि आपको मालूम है सरहद के इलाके के भी और आज़ाद कश्मीर के इलाके की भी। आप ये बताएं कि मुजफ्फराबाद जो आए बंदा, ठीक है, एबटाबाद से आए, तो एबटाबाद से कितने किलोमीटर का रास्ता है और कितने घंटे का रास्ता है? रास्ता मुश्किल है या फिर आसान है? जी एबटाबाद से एक हाईवे आती है जो एबटाबाद को मुजफ्फराबाद से मिलाती है। ये एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी सड़क है। अगर आप इस पे आएँ तो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। तकरीबन ढाई घंटे का आपका सफ़र बनता है, तो इतनी देर में आप मुजफ्फराबाद आ सकते हैं। अच्छा, पिंडी से मरी के रास्ते जब आए मुजफ्फराबाद, तो वो कितने किलोमीटर का रास्ता है और कितने घंटे का रास्ता है, ये भी आपको पता है? जी अगर आप रास्ता पिंडी मुजफ्फराबाद आना चाहें तो आप रावलपिंडी से सीधा मरी, और मरी से फिर सीधा मुजफ्फराबाद। ये तकरीबन 350 या 280 के करीब लगभग ये किलोमीटर बनता है। तो इसमें भी अगर आपके पास गाड़ी अच्छी हो मसलन, तो उस पे आप ये कि 60-70 की स्पीड पे आप आराम से 2-2.5 घंटों में जो है ना रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद आ सकते हैं। ठीक है। वो सबसे ये जो भी टूरिस्ट आए, तो वो उसको जो ना होटल का जो मसला होता है, वो होटल के लिए भी जो ना आसानी है कि या फिर जो ना लूटने वाला जो ना यहाँ पे मरी की तरह जो ना बुरा सलूक करने वाला काम है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह मुजफ्फराबाद के पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पे जो ख्वानगी की शरह है वो तकरीबन 80% से भी ऊपर है तकरीबन। तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, कोई लूटने वाला काम नहीं है। तावन करते हैं टूरिस्ट के साथ, टूरिस्ट जितने लोग भी आते हैं उनको मसलन जो कोई किसी ने कहीं जाना हो रास्ता पूछते हैं, उनको रास्ता भी सही बताते हैं, तावन करते हैं, रेट्स भी मुनासिब हैं। उसके अलावा तो इस वक्त ये जो हमारे पीछे होटल है, ये भी टूरिस्ट लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, स्पेशली जो हमारे परदेसी इधर घूमने फिरने आते हैं। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गर्मियों में कितना तकरीबन, आप तो जो है ना मुजफ्फराबाद में रहते हैं ड्यूटी के बेस पे, तो ये बताएं कि मुजफ्फराबाद में जून जुलाई में कितना दर्जा हरारत होता है? यहाँ पे गर्मी होती है या फिर जो है ना ठंडा मौसम होता है? जी वैसे तो यहाँ पे मौसम ठीक ही होता है। तकरीबन गर्मी के जो महीने होते हैं जून जुलाई अगस्त, और अगस्त के एंड में सितंबर में आके माशाल्लाह मौसम बेहतरीन हो जाता है। जो शदीद गर्मी के मौसम है वो तकरीबन यही जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने होते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होती है, लेकिन वो भी शाम के वक्त दरियाएँ हवाएँ चलती है, माशाल्लाह मौसम ठीक हो जाता है। अच्छा काशिफ भाई, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ना मंकी देख रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, बड़ी शरारतें कर रहे हैं, हमारी चीज़ें थी वो खा गए हैं सारी। काशिफ भाई, हमने देखा कि यहाँ पे हमने चाय पी है, तो जवेद भाई होटल के मालिक हैं, उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। ये इलाके के जो ना बड़ी अच्छी बात है कि एक मेहमान नवाज जो ना इलाका है, तो इस मुतलक आप क्या कहेंगे? जी वैसे भी जो है ना, हम आप कश्मीर में जहाँ कहीं भी आएँ लोग हमारे माशाल्लाह ऐसे ही हैं। ये होटल तो चलें अभी साल पहले तकरीबन इसका इफ्तिताह हुआ था, तो ये तो मेहमानों की वैसे भी बहुत कदर करते हैं। जो स्पेशली जो टूरिस्ट हमारे आते हैं पंजाब से, दूसरे प्रोवेंसेस से, तो बहुत उनको माशाल्लाह उनके साथ तावन करते हैं, अच्छे तरीके से पेश आते हैं। नाजरीन, हमने ये देखा है कि अपनापन जो ना आके हमें यहाँ पे फील हुआ है कि यहाँ के बंदे बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, और यकीन माने प्रोटोकॉल जो हमें इन्होंने दिया है ना, मुझे नहीं उम्मीद कि हमें कहीं और इलाके से मिलेगा, यानी कि मसलन मरी वगैरह या इस तरह के इलाकों में। तो आप भी जो ना इन इलाकों में आएँ, इंजॉय करें और पुरसकून होके घूमें। और आपको जो ना वीडियो में बता दिया है कि आप जो ना बेखौफ होके घूमें, यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है
जो आपकी हिफाजत के लिए है। आपकी गाड़ी को मसला हो जाए या कोई और इस तरह को कुछ भी मसला हो तो उसके लिए जो ना मैं आपको जो ना नीचे जो ना डिस्क्रिप्शन पे जो ना बता दूंगा नंबर, वो लिख दूंगा एमरजेंसी का, टूरिस्ट पुलिस का, ठीक है, उससे आप हेल्प ही ले सकते हैं। तो मेरे साथ जो ना काशिफ भाई को और मसूद को जल्दी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।